हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्वीटी और आप देख रहे हो स्पार्कलिंग सोल्स। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एसपी उसी को मिलता है जो ये बोलता है। जब भी आप अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करते हो तो कई सारे सवाल आपके मन में घूमते रहते हैं, और उसमें से एक सवाल ये भी होता है कि जब यूनिवर्स हमारे मन की इच्छा पूरी करते हैं तो यूनिवर्स सामने वाले पर्सन की भी मन की इच्छा तो पूरी कर सकते हैं। मतलब इन शॉर्ट कि जब यूनिवर्स हमारे दिल में जो विश चल रही है उसे दे सकते हैं, और अगर सामने वाले पर्सन के मन में जो चीज़ें चल रही है तो वो उसे भी तो दे सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, उसे भी दे सकते हैं। तो अगर वो सामने वाला पर्सन ये सोच रहा है कि हम उसकी लाइफ में वापस ना जाए, हमारा रिलेशनशिप दोबारा स्टार्ट ना हो, हमारे बीच में जो भी चीज़ें हैं ना यहीं ख़त्म हो जाए, और हम अपने मन में चाह रहे हैं कि चीज़ें दोबारा सही तरीके से स्टार्ट हो जाए, तो ये दोनों चीज़ एक दूसरे के साथ मैच नहीं हो सकती, तो यूनिवर्स इस कंडीशन में किसके मन की बातों को सुनेंगे। तो सबसे पहले आज जो ये सारे सवाल आपके मन में घूम रहे हैं ना, इन सारे सवालों के जवाब मैं आज आपको देने वाली हूँ। एक बहुत छोटे से और सिंपल से एग्जांपल से मैं आपको ये सारी चीज़ समझाने की कोशिश करूँगी। मान लीजिए ना, आप कहीं बुक स्टोर से अपने घर पे एक किताब को लेके आए हो और आपने उस किताब के एक दो पन्नों को पढ़ा और उसके बाद आपको वो किताब पसंद नहीं आई, आपने बंद करके उस बुक को रख दिया साइड में और आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है दोबारा उस बुक को पढ़ने के लिए। पर वही कुछ टाइम बाद आप नोटिस करते हो कि आपके जो दोस्त हैं वो सेम उसी बुक के बारे में बातें कर रहे हैं और ये बातें कर रहे हैं कि वो बुक कितनी ज्यादा अच्छी है। आप लोगों को देख रहे हो, ऑनलाइन रिव्यूज पढ़ रहे हो, आपकी नजरों के सामने बार बार वही चीजें आई जा रही है जिसमें ये पता चल रहा है कि इस बुक में कुछ ना कुछ खास है, ये बुक बहुत ज्यादा अमेजिंग है, इस बुक में ना बहुत सारी चीजें हैं जिससे पढ़कर आपको बहुत मजा आने वाला है। जब आप ये सारी बातों को, ये सारे मैसेज को, ये सारे साइन को सुनते हो तो आपके मन में क्या चलेगा, यही ना चलेगा कि अरे ये बुक तो मेरे पास भी है, मैं इसे लेके आया था। तो आप दोबारा से वही एक्साइटमेंट के साथ उस बुक को पढ़ने के लिए निकालोगे और आप उस बुक के एक एक पन्ने को बड़े ध्यान से पढ़ोगे, बड़े खुश होकर पढ़ोगे, और उसके बाद आप भी लोगों के सामने बहुत प्राउडली बोल सकते हो कि हाँ मैंने भी ये बुक पढ़ी है, इस बुक में कई सारी खास बातें, ये बुक बेस्ट है, ये बुक बहुत अमेजिंग है, इस बुक में कई सारी चीजें आप पढ़ सकते हो। इनफैक्ट उसके बाद आप और लोगों को भी ये कहोगे कि आपको इस बुक को जरूर पढ़ना चाहिए, मैंने इस बुक को पढ़ा है, बहुत ही अमेजिंग बुक है। तो देखा ना आपने, इंसान वही है पर उसकी सोच और उसकी पसंद पल पल के हिसाब से बदल गई। एक पल ऐसा था जहां उसे वो बुक पसंद नहीं आ रही थी और दूसरे ही पल में वो उस बुक को पढ़ भी रहा है, उस बुक के बारे में सबको बता भी रहा है और उसके लिए अच्छे अच्छे वर्ड्स भी यूज कर रहा है। यही सेम चीज आपके प्रोसेस में भी होती है। जब आप अपनी विश को मैनिफेस्ट करते हो ना और ये सोचते हो कि मैं चाह रही हूं कि मेरा रिश्ता अमेजिंग हो जाए, परफेक्ट हो जाए, मैजिकल रिलेशनशिप में बदल जाए, पर उसके अलावा ना ये पर्सन चाह रहा है कि मुझे रिश्ता ठीक नहीं करना, मुझे रिलेशनशिप नहीं चाहिए, जब आप इस बात को पकड़ के कि मैं चाह रही हूं मेरा पर्सन नहीं चाह रहा, तो ये चीज में एक गड़बड़ शुरू हो जाती है। आपको इस बात को पकड़ के अपनी टेक्निक को डन नहीं करना। अगर आप अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहते हो ना, तो सबसे पहले आपको एक बात को पकड़ लेना है कि पल पल यहां लोग बदलते हैं, पल पल उनकी सिचुएशन बदलती है, पल पल उनकी पसंद बदलती है। आप जिस सिचुएशन को चेंज करना चाह रहे हो ना, वो अगले ही पल सिचुएशन बदल जाएगी। आज हो सकता है जो चीजें आपको पसंद नहीं आ रही, अगले ही पल वो आपकी फेवरेट हो जाए, क्योंकि हर पल हम बदलते रहते हैं, हर पल हमारी पसंद बदलती रहती है। तो इसलिए जब आप डिवाइन पावर से किसी चीज को मांग रहे हो, अपनी अमेजिंग रिलेशनशिप को मांग रहे ना, तो मन में और दिल में, दिमाग में इस बात को पकड़ के आपको अपनी टेक्निक को डन करना, अपने प्रोसेस को डन करना है ना कि मैं अपने स्पेसिफिक पर्सन से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, मेरा स्पेसिफिक पर्सन भी मुझे बहुत ज्यादा प्यार करता है। जब इस बिलीव को पकड़ के हम अपने दिमाग में अपनी टेक्निक को डन करते हैं, यूनिवर्स से अपनी विश को मांगते हैं ना, तब हम अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर पाते हैं। आपको अपना सारा फोकस ना खुद पे रखना है, उस हर नेगेटिव बात से अपना ध्यान हटा लीजिए जो आपको तकलीफ पहुंचा रही है। अगर आप चाहते हो ना अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करना, तो ये पहली आपकी जिम्मेदारी है कि आपको वो सारी बातों से अपना ध्यान हटाना है जो आपके प्रोसेस में ना एक ब्लॉकेजेस का कारण बन रही है। जो भी ऐसी बातें हैं ना, जो भी ऐसी ब्लॉकेजेस है ना, उन्हें अपने आप से दूर कर देना, और जब आप ऐसा सक्सेसफुली कर देते हो ना, तो क्या होता है, आप अपने स्पेसिफिक पर्सन के साथ एक लविंग रिलेशनशिप पे वापस चले जाते हो। सो गाइस, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। बाय बाय।